कितना लेट हो गया हम लोग। हमेशा कहता हूँ थोड़ा जल्दी निकलना होगा। अरे डैडी, इनको बोल के कोई फायदा नहीं। आप उन्हें हमेशा तो इनको बोलते रहते हैं और ये दोनों हमेशा बहुत टाइम लगाते हैं तैयार होने। जैसे तू तो बहुत कम टाइम लगाता है ना। उससे तो कम ही लगाता हूँ। पता नहीं दो घंटे तक मिरर के सामने क्या करती रहती है। कुछ चेंज भी होता तो है नहीं, सेम टू सेम दिखती है। वही शक्ल देख अपनी, तुझसे तो बहुत अच्छी लगती हूँ। पापा जो झगड़ा करिए मेरे साथ ये। शुरू किसने किया था? अब बोलने लगी तो डैडी डैडी कर रहे हैं। लिटिल बॉय मां देखो ना इसको। अरे बेटा तुम लोग लड़ाई करना बंद करो। अच्छा झगड़ा तो आपने ही शुरू किया है। ओफो तुम ही। वीर बेटा चुप हो जा। ओके वरना अगर माँ बेटी दोनों ने टीम बना ली ना तो हम लोग इनके सामने टिक भी नहीं पाएंगे। क्या हुआ? इस मोड़ से लेफ्ट जाना है या राइट समझ में नहीं आ रहा। ये जीपीएस भी नहीं चल रहा है यहाँ, नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। लेफ्ट लेके देखते हैं, शायद सही हो। और गलत हुआ तो कहीं तो मुड़ना होगा ना। आगे जाके देखते हैं, शायद कोई मिल जाए फिर उससे पूछ लेंगे। ठीक है। मुझे तो लगता है हम गलत रास्ते आ गए हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। हाँ ना, ये तो पूरा का पूरा जंगल ही है। हाँ जंगल का रास्ता है। अभी यहाँ पर एक बहुत खूंखार शेर आएगा। अभी किसी से पूछते हैं। अरे पर कोई होना तो चाहिए ना पूछने को। आई थिंक हमें वापस जाना चाहिए। मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वो देखो कोई नजर आ रहा है, अभी इनसे पूछते हैं। भाई साहब ये गिरिया सागर के लिए रोड यही है भाई साहब। अरे भाई साहब पूछ के आता। चाचा 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 गिरी सागर कहाँ पर है? चाचा चाचा हेलो सुनिए। अरे चाची जी जवाब दीजिए ना। हेलो स्वाति तू कैसे डर गई ना, जैसे कोई भूत देख लिया हो। ओए चुप कर, ऐसे बोले जैसे तू तो डरा ही नहीं था। तो मैं नहीं डरा था। हाँ रहने दे तू बस। बस बस अब कोई नहीं लड़ेगा, हम लोग सचमुच खो गए। अब ये सोचो कि सही रास्ता कैसे मिले हमें। ये रास्ता मुझे करेक्ट लग रहा है। हाँ माँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये रास्ता बिल्कुल ठीक है। अब वो देखो वैसे बाइक जा तो रही है। क्या कर रहा है ये?
अगर दार खोला ना तो हम दोनों भी मर जाएंगे। बोल लो ना तुला जोन। हो गया और आप सब में से किसी को कुछ नहीं पता। लोगों ने मरने से पहले मदद मांगी होगी, चिल्लाया तो होगा, आप में से किसी ने कुछ नहीं सुना। देखिए, अगर आप इसको रोकना चाहते हैं तो आगे बढ़कर हमारी मदद करनी होगी। उस कातिल के बारे में हमें बताना होगा। क्या जानते हैं आप उसके बारे में, बोलिए। दो लाशें यहां हैं और दो लाशें वहां हाईवे पर मिली, उनके भी सर कटे हुए हैं। जहां तक मुझे लगता है ये एक ही परिवार के हैं। बताइए क्या जानते हैं आप इसके बारे में। बचा रे, अरे बचा, मला कंटाला आ गया, बचा रे, मला आला, अरे मत, अरे जा मैं दिखाऊंगा, मला मत मार रे, मला मत मार रे, रुके, कौन मार दिया, करो ये सब बंद, करो ये सब। साहब नवरा है मेरा ये। तो आप इसको मार क्यों रही हैं? आप ही बताओ क्या करूं साहब, मेरा तो नशीब फूट गया है।
रोज दारू कुछ काम नहीं करता ये। ट्राई किया था मैंने साहब, ट्राई किया ना मी। ट्राई किया। आपको पता है साहब, इसको पिक्चर में हीरो बनना था। आप ही बताइए इसका हरकत थोड़ा। माफी, शादी के पहले साहब हीरो जैसा दिखता था। इसने मार मार के चेहरा बिगाड़ दिया। चुप, इतना शराब क्यों पीते हो? इसके डर की वजह से साहब। मैं काम मांगने को गया था, मेरे को काम नहीं मिला। दारू पीने से ना थोड़ी हिम्मत आती। अच्छा, हिम्मत आती है तो। ओ, ये जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। इतनी शराब पियोगे तो पिटोगे। वैसे एक बात पूछ रहा हूँ, इन मर्डर्स के बारे में कुछ जानते हो या नहीं? मतलब आइडिया नहीं साहब, वो सब पता है। क्या क्या जानते हो इसके बारे में? मैं बताऊंगा, पर एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त? मतलब एक खंबा पाइजे। हाँ, खंबा पाइजे। खंबा? व्हाट इज खंबा? नहीं नहीं, ये वो खंबे की बात नहीं कर रहा। फिर आप लोग भी क्या ना साहब, ये बेवड़े के क्या नाक पे लगे साहब। देखो उसको खुद को होश नहीं है, ये क्या बताएगा आपको? देखिए प्लीज, अगर आप लोग कुछ भी जानते हैं इसके बारे में तो हमें बताइए। इन वारदातों को रोकना बहुत जरूरी है। प्लीज बताइए, हमारी हेल्प कीजिए। इनसे क्या पूछ रहे हो? सब के सब गूंगे बहरे, कोई कुछ नहीं बताएगा। और साहब उसका क्या सुन रहे हो? वो कुछ भी बोलता है, पागल है वो। अरे रुको जयवंत, यहाँ इस गांव में हमारी कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बताएगा। उस कातिल का पता हमें खुद ही लगाना होगा। तुम्हारी ये बाइक भी ना हर प्लान बिगाड़ती है। डोंट वेरी यार, अब बता के थोड़ी ना खराब होती है। इतनी रात है, कोई दिख भी नहीं रहा जिसे लिफ्ट ले ले। मुझे बहुत डर लग रहा है। लिफ्ट का तो पता नहीं, लेकिन वो देखो वो लाइट, वहां से कोई ना कोई मदद जरूर मिल जाएगी हमें। ये देखो मदद खुद बे खुद हमारे पास चल के आ रही है। हेल्प, हेल्प। अरे भाई साहब, हमारी बाइक खराब हो गई। हेल्प। मैं तो ठीक हूँ जयवंत, लेकिन लेकिन मैंने उस पर गोली चलाई तो इन गोलियों का उस पर असर क्यों नहीं हुआ? सर ये किसी नॉर्मल इंसान के लिए करना इम्पॉसिबल है, कहीं वो सच्ची में। नहीं तो नहीं था, ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम श्योर इसके पीछे कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन जरूर है। देखिए देखिए देखिए, शांत हो जाइए सब लोग।
देखिए, अगर आप सब लोग हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम आपकी मदद कैसे कर पाएंगे, बताइए। नको साहब नको, नहीं कराई चाहिए मदद, उससे टकराने का हिम्मत हम लोग में नहीं है। देखो साहब, उसको गुस्सा आ गया ना तो वो हम लोग को छोड़ेगा नहीं। छोड़ेगा तो वो वैसे भी नहीं आपको, अब तक दूसरे लोगों से मिल रहे हैं मरने के लिए, इसलिए आप लोग बचे हुए हैं। एक बार दूसरे लोगों से मिलने बंद होंगे, एक एक को मारेगा वो। अब तो बोलो, कोई कुछ जानता है उस बाइकर के बारे में या नहीं? साहब, साहब मैं बस पूरी काई ही बोलाई चनाए बाबा माला बोलू दिया। साहब, साहब मैं आपको बताती हूँ, कुछ दिनों पहले हमारे गांव में एक एक्सीडेंट हुआ था साहब, मोटरसाइकिल से साहब। वो बहुत भयानक एक्सीडेंट था। उस एक्सीडेंट में उस आदमी का सर धड़ से अलग हो गया था। पूरे गांव में पुलिस ने बहुत ढूंढा लेकिन उसका सर कहीं नहीं मिला साहब। उसके बाद से वो आदमी रोज गांव में आता है और अपना सर ढूंढता है। जब उसे अपना सर नहीं मिलता साहब, तो वो पूरे गांव में किसी भी आदमी का सर ले जाता है साहब। व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। अब हुई ना तसल्ली, अभी माफ करो हम लोग को। आप जाओ साहब यहाँ से, कहीं वो हम लोग को छोड़ेगा नहीं। Hey! कोई नहीं बचेगा, सबके मुंडी काटेगा, सबके मुंडी, सबके सब मारे जाएंगे, काट के ले जाएगा सबके मुंडी, मुंडी काट के ले जाएगा सबका। जवान, पता लगाओ ये कौन है। 24 घंटे इस पर नजर रखो। जंगल में कहां गायब हो गया? गाड़ी? आदमी गाड़ी कैसे चला सकता है? टाइम टू राइड।